हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद दारस। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक नहीं बल्कि एक मल्टीबैगर स्टॉक का भी बाप लेके आया हूं, जिसकी अगर रिटर्न देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो स्टॉक का प्राइस बता दूं, 305 रुपए के नियर अबाउट पे आज इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है। और अगर इस स्टॉक की पिछले आप 5 साल की रिटर्न देखें तो 27,895% की रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में दिए। स्टॉक का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स। सो दोस्तों, जे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली कंपनी है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। मल्टीबैगर स्टॉक भी इसके आगे कुछ नहीं कह सकते, मल्टीबैगर स्टॉक का भी बाप है जे। अगर इसके आप चार्ट को एनालाइज करें तो 5 साल में से 2.5 साल तो जे इस स्टॉक का प्राइस सेम ही रहा। पिछले 2.5 साल से इस स्टॉक का प्राइस जो रॉकेट बना है और जो इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है, आप अमेजिंग कर सकते हैं। 27,895, मतलब कि जिसने 10,000 रुपया स्टॉक में इन्वेस्ट किया था वो 27 करोड़ के नियर अबाउट तक पहुंच चुका है। ऐसी रिटर्न देता हुआ स्टॉक आगे कैसा रहेगा, स्टॉक का हाल पूरा एनालाइज करेंगे, फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, फाइनेंशियली एनालाइज करेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसी रिटर्न हो सकती है इस स्टॉक की फ्यूचर में। आगे बात करेंगे, ये था इसका 5 साल का चार्ट और आगे मैं आपके लिए लेके आऊँ 3 साल का चार्ट। अगर 3 साल के चार्ट को देखें तो दोस्तों, 3 साल से वही आपने जो देखा था जो लास्ट टाइम पे जो अब रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस टाइम पे जो जे स्टॉक रिटर्न दे रहा है वो कमाल की रिटर्न है। बेसिकली तो आप देख सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं होता होगा, कि अपर सर्किट हर रोज लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस स्टॉक में अब भी इन्वेस्ट होता है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर उसी के साथ साथ जे स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो चुका है, अब तक रिटर्न भी दे चुका है। इसलिए इस स्टॉक में संभल के इन्वेस्टमेंट करना, उतनी इन्वेस्टमेंट करना जितनी आप लॉस में भी झेल सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और अगर इस स्टॉक ने आगे ऐसी ही रिटर्न दी तो आपको मालामाल कर सकता है दोस्तों। आगे बात करूंगा इस स्टॉक के चार्ट को, मैंने आपको दिखाया, आगे बात करेंगे इस स्टॉक की फंडामेंटली कि कैसा रहेगा। सो दोस्तों, अगर कंपनी की कुल मार्केट कैपेसिटी की बात करूं तो 462 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपेसिटी है, और अगर इंडस्ट्री की पीई की बात करें तो 23, और अगर स्टॉक की पीई की बात करें तो 7.15, मतलब कि जे स्टॉक जो अपनी इंडस्ट्री की पीई है उससे 3 गुना कम चल रहा है। इतनी अच्छी रिटर्न देने के बाद भी इस स्टॉक की जो पीई है 7.5, मतलब कि इस स्टॉक का प्राइस इससे 3 गुना तक हो सकता है इंडस्ट्री की पीई के कंपैरिजन में। उसी के साथ साथ अगर प्राइस ऑफ अर्निंग की बात करें तो 7.15, और इसी के साथ अगर डेप्थ की बात करूं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, जिसपे केवल और केवल 15 लाख का कर्जा है, 0.15। उसी के साथ अगर प्लेजर परसेंट की बात करूँ, प्लेजर परसेंट होता है जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, उन्होंने अपने जो प्रमोटर शेयर होते हैं उसे गिरवी रखा होता है, वो भी 0.0% है, उसका भी कोई फंडा नहीं है। इसी के साथ साथ डिविडेंड भी कंपनी ने लास्ट टाइम पे दिया 0.99, जो फर्स्ट टाइम पे इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था, बेशुमार बढ़िया डिविडेंड कंपनी दे रही है। इसी के साथ अगर आरओई की बात करें और आरओसीई की बात करें तो 83.8, और आरओई की बात करें तो 85.9 के नियर अबाउट पे ROE है। प्रॉफिट की बात करें तो 268% की ग्रोथ चल रही है इस कंपनी की, और अगर पिछले 3 साल की प्रॉफिट की बात करें तो 1050% की प्रॉफिट पिछले 3 साल में इस स्टॉक की चल रही है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बढ़िया कंपनी जिसे हम कह सकते हैं। फाइनेंशियली एनालाइज करूं तो अब मैं आपके लिए ये वीडियो क्यों लेके आऊँ, बेसिकली आप सोच रहे होंगे यार इतनी अच्छी रिटर्न तो जो ऑलरेडी दे चुका अब कितना बढ़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टॉक को एनालाइज करें तो फाइनेंशियली तो भाई अभी इस स्टॉक ने रिटर्न देनी है अगर फाइनेंशियली एनालाइज किया जाए, क्योंकि 2021 में इसकी जो प्रॉफिट थी वो 24 करोड़ के नियर अबाउट पे थी, 2022 में 113 करोड़ के नियर अबाउट पे, मगर जो 2023 में इसने प्रॉफिट दिया वो 776% की प्रॉफिट इस स्टॉक ने अभी दिया है। इसीलिए जब आपको चार्ट दिखाया था वो सीधा हुआ दिखाई देता नजर आ रहा था। सो आगे बात करेंगे, फाइनेंशियली रेवेन्यू कंपनी का बड़ा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात करें नेटवर्थ की तो नेटवर्थ भी दोस्तों 2022 और 23 में बहुत बड़ा फासला आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने 2023 में ग्रोथ की है रेवेन्यू में भी और नेटवर्थ में भी। इसी के साथ साथ कंपनी ने कभी दोनों में ही नहीं, कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीमेंट आई है दोस्तों। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का अगर चार्ट एनालाइज करें, प्रॉफिट का आपके लिए मैं चार्ट लेके आया हूँ, मार्च 2012 से लेके अब तक का इस कंपनी का प्रॉफिट चार्ट है, और अगर इसको एनालाइज किया जाए तो नेट प्रॉफिट देखनी है तो दोस्तों नेट प्रॉफिट तो पिछले 3 साल से शुरू हुई है। पहले तो जो कंपनी ना प्रॉफिट में चल रही थी ना लॉस में चल रही थी, न्यूट्रल चल रही थी, मगर प्रॉफिट अब आनी शुरू हुई है। इतनी अच्छी रिटर्न देने के बाद
अब प्रॉफिट आनी शुरू हुई है पिछले 2 साल से, और अब इस स्टॉक को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपली बात करूँ, और लास्ट टाइम पे इसने जो डिविडेंड दिया था क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ गया, और अब इस कंपनी ने डिविडेंड देना भी शुरू कर दिया है। सो आगे बात करेंगे दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो वो थोड़ी सी कम है स्टॉक में, जे देखने वाली बात है। 25 के नियर अबाउट पे है, जो स्टार्टिंग में पहले 4 साल में 0 थी, उसके बाद प्रमोटर ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 25.93% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। उसके साथ साथ जो और मेन बात देखने वाली है कि पिछले 2 क्वार्टर में FIIS ने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया, और लास्ट क्वार्टर में तो स्पेशली पहले क्वार्टर में 1.36 और लास्ट में 5.29% की इन्वेस्टमेंट FIIS फॉरेन इंस्टीट्यूट, जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। इसी के साथ अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 68.77% के नियर अबाउट पे चल रही है। सो दोस्तों मल्टीवैगर स्टॉक है, अच्छी रिटर्न, बहुत अच्छी रिटर्न दे चुका है और आगे भी आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता, मगर उसके साथ साथ ये पैनी स्टॉक से मल्टीवैगर स्टॉक साबित हुआ है, आपकी रिटर्न को बढ़ाने के साथ साथ कम भी कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा लेवल तक भी कम हो सकती है। इस बात को हमेशा माइंड में रखना। लास्ट में वीडियो लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड खुद की रिसर्च जरूर करें। थैंक यू सो मच।